महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह एवं महिला थाना की टीम द्वारा थाना गुलेरिया अंतर्गत ग्राम जंगल धूषण बड़ी जमुनिया हर सेवक नंबर 2 स्थित प्राथमिक विद्यालय पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गांव की महिलाओं एवं बच्चों को उनकी सुरक्षा संबंधी जानकारियां देते हुए उन्हें अपने बचाव के तरीके भी बताए गए। साथ ही साथ सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में भी महिलाओं को अवगत कराया गया। महिला थाना प्रभारी द्वारा गाँव की महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर 10 90 112 10 98 181 108 102 आदि के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। शक्ति घर में बच्चियों को बराबर अधिकार एवं सम्मान मिले तथा उन्हें लड़कों के बराबर ही आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं, इस क्रम में वहां पर उपस्थित महिलाओं को संकल्प दिलाया कि बेटा बेटी एक समान, हर नारी की यही है मांग। समाज सेवी तनु शर्मा ने भी बताया कि किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इस प्रोग्राम में संस्था के छात्रों द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया जिनके द्वारा वहां उपस्थित सभी ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को बच्चों को घरेलू हिंसा के खिलाफ जागृत किया तथा साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई ताकि लड़कियाँ महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित कर सकें। उपलब्ध कराए गए हैं जिसपे आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं और आपके हर संभव मदद की जाए। बाकी हम सब लोग टीम प्रारंभ की गई है महिला हेल्प डेस्क, ये आप लोग को नहीं पता अभी, लेकिन हर थाने पे एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है। मतलब उस कमरे वहाँ पे एक कमरा होगा जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और उनकी हर समस्या सुनी जाएगी। आपको लिखने नहीं आता तो प्रार्थना पत्र भी आपका वहाँ लिखवाया जाएगा, कागज भी आपको नहीं ले जाना, आप बताएंगे वहाँ पे कोई आपकी समस्या लिखेगा भी और आपकी समस्या भी दूर होगी। तो हर थाने पे हमारे सरकार द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है महिला हेल्प डेस्क, इसका आपको लाभ मिले। आप लोग और इस बारे में जागरूक हो, जानिए आपके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं, और आप जितने जागरूक होंगे आप उतने ही सशक्त होंगे और आप गर्व से कह पाएंगे कि आप नारी हैं। और आप सब लोग गर्व से कहिए कि हम नारी हैं, क्योंकि नारी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उनको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपना सम्मान खुद हासिल करना है और खुद अपने पैर पे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे, ठीक है। महिला सुरक्षा के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं जो कि मोबाइल में आपके अगर पैसा नहीं है, कभी होता नहीं पैसा नहीं है तो फोन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, अगर आपके मोबाइल में पैसा नहीं होगा तो भी फोन लगेगा, वो हेल्पलाइन नंबर होते हैं। जैसे कि कहीं आप जा रहे हैं तत्काल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस आ जाएगी और आपकी मदद करेगी। कभी कभी आप चाहते हैं कि आपको कोई छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, या फिर सड़क पर जा रहे हैं वो परेशान कर रहा है, मोबाइल पे मैसेज करके परेशान कर रहा है, और लेकिन आप सामने आके कहना नहीं चाह रहे हो, आपको डर भी लग रहा है कि हम इसको शिकायत करेंगे तो ये मुझे और ज्यादा परेशान करेगा, तो आप 1090 यहाँ पे लिखा हुआ है 1090 वुमेन पावर लाइन, इस पे आप अगर आप फोन करेंगे तो आपकी जो शिकायत होगी वो दर्ज हो जाएगी, आपको एक चौके नंबर भी दिया जाएगा और आपकी उसको जहाँ उनको परेशान कर रहा होगा उसकी आपकी समस्या भी दूर की जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने शिकायत की थी। के बारे में बहुत सारे अपराध न बढ़े, उनको हम लोग कंट्रोल कर सके। कभी लोग होते हैं ना, लोग बच्चा पकड़ के ले गए, बच्चे गायब हो गए, तो बच्चे भी अपना बचाव कैसे करेंगे? औरतों के लिए तो सारा कुछ बता दिया, बच्चे भी अपना बचाव करें, तो अगर ये बच्चा है इसको कोई उठा के ले जा रहा है तो ये बच्चा क्या करना चाहिए, इसको तुम्हें क्या करना चाहिए? नहीं पैर, अब तुम मेरा एक पैर पकड़ के ऐसे क्रॉस करो और बैठ जाओ, ऐसे करो अपना पैर ऐसे, अब ये बैठ जाओ, अगर एक पैर ये मेरा पकड़ के बैठ जाएगी तो हम चाहे कितने भी ताकतवर हो हम इसको उठाते रह जाएंगे, खींचते रह जाएंगे, हम नहीं भाग पाएंगे। देखो नहीं भाग पा रहे अब ये छोड़ दी, लेकिन जब तक वो पकड़ी रहेगी तो हम नहीं भाग पाएंगे। दूसरा जो बताइए सीधे एक पल बच्चे और कुछ बचाव कर सकते हैं? ये एक मारना है सीधे बीच, कुछ भी नहीं है, मिट्टी है उठाया और आंख में जितने ये सब बच्चे छोटे छोटे गिर, कुछ भी नहीं है, बचा रहे बच्चे, दोनों उंगलियां है ना, मारो उनकी आंख में ऐसे कस के, उंगली है कोई हाथ पकड़ के ले जा रहा है, जिधर जस्ट अपोजिट मोड़ दो।